क्या हुआ यश, आज तुम सैड लग रहे हो। आज छठ का गाना सुने ना, घर का याद आ गया, वो घाट याद आ गया, याद आ गया वो पियरी धोती और माई के हाथ की रोटी। आज छठ पर्व नहीं, इमोशन है हमारा। ही बार छठ में जाते ना, अपने हाथ से घाट सजाते, मरकरी लाइट लगाते, पता नहीं मन में क्या क्या प्लान किए थे। माई तब नहीं रही, लेकिन माई ने जाते जाते कहा था कि छठ के परंपरा कबो खत्म ना होके दिया, आ इसीलिए हम चंदनिया को बोले हैं कि अब की बार तुम छठ जरूर करना। हमर तो अभी मन कर रहा है ना कि टिकट का टाइम ट्रेन पकड़े और निकल जाए, लेकिन इस साला बॉस को कौन समझाए कि दो चार रुपये ज्यादा कमाए खातिर ना जिंदगी में कुछ मिस हो रहा है। कबो दशहरा छूट जाता है, कबो दिवाली छूट जाता है। पता है वो आदमी बहुत किस्मत वाला होता है जिसका दशहरा दिवाली छठ तीनों घर पर मनता है। हमारी माई 3 दिन बिना ब्रेक के व्रत रखती है, जल तक ग्रहण नहीं करती है। आई सब तो छठी माई के कृपेन हुए हैं। छोट छोट लगा सके गोर में इतना शक्ति आ जाता है, एक सूर्य घाट पे चला जाता है सब दौड़ित। हमारे लिए ना कोई भी दुआ छठी माई के ठेकुआ से बढ़कर नहीं होता है। अभी ये माई का फोन आया था, कह रही थी बउआ घर नहीं आओगे। अब माई को कैसे बताए कि हम भी आना चाहते हैं, पर प्रोजेक्ट जमा करना है, नहीं आ सकते। बॉस को ना छुट्टी के लिए बोले हैं, लेकिन जैसे जैसे छठ पूजा नजदीक आ रहा है ना, करेजा कुहक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना करे क्या। हेलो। हाँ चंदनिया, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? अच्छा, हमको ना तुमसे एक बात करना था। अरे वो सब छोड़िए ना, आपको पता है इस बार हम छठ कर रहे हैं। सच्चों के? अरे माई भी ये चाहती थी छठ के परंपरा कब वो खत्म ना होके, तुम तो मेरे दिल का बात छीन ली। तब तो ये बहुत अच्छा बात है, जल्दी आइए, बहुत सारा तैयारी ना करना है। अरे हम कल ही का ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं। ठीक है, आइए। चंदनिया का फोन था। यश, अगर छठ तुम्हारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो तुम जाओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं कर लूंगी। पर कैसे? अरे यार वो मुझ पे छोड़ दो ना, मैं कर दूंगी। थैंक यू यार, बाय। और हाँ, ठीक वाला आना मत भूलना। Thank you.
चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। Let's go.